जय हिंद। अगर आज भारत में टेलीकॉम सेक्टर के क्षेत्र में उभरती हुई कंपनियों का हम बात करें तो उसमें GTL इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम सबसे ऊपर आता है। कारण क्या है कि यह एक उभरती हुई कंपनी है और इसको जितने ऑर्डर मिल रहे हैं उतने दूसरे किसी कंपनी को ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं टावर लगाने के लिए। हम जानते हैं कि 5G का समय आने वाला है, उसके लिए नए नए टावर लगाने की जरूरत पड़ेंगे और यह काम GTL इंफ्रास्ट्रक्चर खूब बखूबी से निभा रहा है, इसलिए हमें इस कंपनी पर नज़र बना के रखना जरूरी है। देखिए, अभी हम जानते हैं कि GTL इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा TTML और HFCL भी इस लाइन में कूदे हुए हैं टावर लगाने के मामला में। बेसिकली तीनों कंपनियां टेलीकॉम सेक्टर से बिलोंग करती हैं, लेकिन आपको यहां ध्यान देना होगा कि टेलीकॉम सेक्टर कहने का मतलब ये सिर्फ टावर लगाने का काम करती हैं। टेलीकॉम सेक्टर का मतलब ये नहीं कि ये आपको सिम प्रोवाइड करती हैं, आप उससे बात करते हैं। यहां इन तीनों कंपनियों से मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो टेलीकॉम प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं जैसे एयरटेल, जियो, BSNL, उनके लिए यह टावर बैठाने का काम करती हैं। एयरटेल या जियो खुद से अपना टावर नहीं बैठाते हैं। देखिए, ये जो कंपनी है एयरटेल, जियो, BSNL भारत में, तो अभी तो फिलहाल यही तीन कंपनी बचे हुए, दूसरा कोई तो अब रहा नहीं। तो ये लोग जैसे सिम प्रोवाइड करते हैं और इस सिम के जरिए हम लोग इसका नेटवर्क का उपयोग करते हैं, बातें करते हैं या इंटरनेट चलाते हैं, लेकिन ये लोग टावर बैठाने का काम नहीं करते हैं। जियो ने तो अपना पूर्ण रूप से टावर लगाने का ठेका दे रखा है GTL इंफ्रास्ट्रक्चर को। अभी तक जियो का जो 4G का टावर बैठाया जाता रहा है सब GTL इंफ्रास्ट्रक्चर ने बैठाया है, और जब अब तो 5G का समय आने वाला है तो जाहिर सी बात है कि जियो का जब 5G का टावर लगेगा तो ये काम भी GTL इंफ्रास्ट्रक्चर को ही मिलेगा। हालांकि TTML और HFCL भी ये काम करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब समझिए, 5G का समय आ रहा है तो इस रेस में BSNL भी है। हालांकि BSNL का उपयोग आम आदमी नहीं करते हैं, इसका उपयोग सिर्फ ज़्यादातर मतलब सरकारी लोग ही करते हैं, वो भी सिर्फ बात करने के लिए, क्योंकि नेटवर्क चलाने इंटरनेट चलाने के लिए इसका कोई उपयोग नहीं करता है। इसका इंटरनेट कम से कम बिहार यूपी में तो बिल्कुल नहीं चलता है। अगर कोई इक्का दुक्का रखा होगा तो ये बहुत कोई खास मैटर नहीं करता है, लेकिन BSNL को सरकार ने डुबो दिया। हालांकि सरकार को चाहिए कि BSNL को लेकर आ गया है, प्राइवेट कंपनियों को ज़्यादा बढ़ावा देने से रिचार्ज जो महंगा होता जा रहा है ये इसी की देन है। यहाँ समझेंगे, अभी 5G का आगमन होने वाला है, बात आपको अच्छी तरह से पता है, काफ़ी दिनों से जान रहे कि 5G का आगमन होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। तो समझिए, जब 5G का आगमन होगा तो उसके लिए जरूरी है कि नए नए टावर बैठाए जाएं। तो ट्राई ने आदेश दिया है GTL इंफ्रास्ट्रक्चर समेत जितने भी तमाम कंपनियां टावर बैठाने वाली उनको कि पहले जो पुराने टावर्स लगाए गए हैं उनको रिपेयर कीजिए। ऐसा नहीं है कि सारे नए टावर ही बैठा दिए जाएंगे, पुराने टावर जो है उनको भी रिपेयर करना जरूरी है। और शुरुआती फेज में जब 5G का आगमन होने वाला है तो उसके लिए 20-25 हज़ार नए टावर लगाने की बात कही जा रही है। हालांकि नए टावर तो लाखों में लगाए जाएंगे, लेकिन शुरुआती फेज में 20-25 हज़ार टावर कम से कम लगाए जाएंगे। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा GTL इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में जो ऑर्डर मिलेगा GTL इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा। तो एक बात होता है कि GTL इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रेवेन्यू है गेन होने जा रहा है, बढ़ने जा रहा है, उसके झोली में भर भर के नए नए ऑर्डर मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बिजनेस में ग्रोथ होगी, उसका सेल्स बढ़ेगा। अब समझिए, ये जो तीन कंपनियां एयरटेल, जियो और BSNL, ये तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करती हैं, यानी कि आपको सिम प्रोवाइड करती हैं। अब 5G का समय आने वाला है तो ये लोग 5G के लिए पूरी तरह से तैयार बैठेंगे, टावर बैठे और ये लोग अपना 5G लॉन्च कर देंगे। लेकिन जो 5G मोबाइल बनाने वाली कंपनियां हैं जैसे सैमसंग है, नोकिया है, ओप्पो है और भी तमाम कंपनियां, लेकिन फिलहाल ये लोग इस लाइन में आगे चल रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग 5G मोबाइल बना के रेडी बैठे हैं कि आप इधर 5G लॉन्च कीजिए तो हम लोग भी अपना मोबाइल लॉन्च कर दें। अब देखिए, बेसिकली जब तक 5G का टावर लगेगा नहीं और 5G लॉन्च होगा नहीं तो 5G मोबाइल बन के तैयार है उसका कोई बेनिफिट होने वाला है किसी को कोई बेनिफिट नहीं होगा जब तक कि 5G लॉन्च ना हो जाए और पूर्ण रूप से काम करने न लगे। उसके बाद कंपनी का जो मोबाइल है 5G का बाजार में आएगा। तो अब ये जो कंपनियां हैं अपना मोबाइल बना के बैठी हुई हैं, और ये जो कंपनी है ये अपना मतलब 5G लॉन्च करने के लिए अपना सिम रेडी करके बैठे हुए हैं कि भाई जल्दी से टावर लगाओ। अब इसका प्रेशर बढ़ रहा है ट्राई पर। ट्राई क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है कि हर एक चीज़ रेडी है तो लेट कहां हो रहा है। समझिए, लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्राई ने जो स्पेक्ट्रम का नीलामी का प्रोसेस रखा है, प्रोसेस एक तो हार्ड है और दूसरा इसका प्राइस पॉइंट काफ़ी अधिक रखा गया। ये प्राइस ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों से 6 से 7 गुना महंगा पड़ रहा है भारत में, यहीं पर मामला अटका हुआ है। तो ट्राई ने इसको लेकर पिछले वीडियो में बताया था कि कहा था कि नहीं ये प्राइस कम किया जाएगा ताकि जल्दी से इसका जो प्रोसेस है आगे बढ़े, कंपनियां इसको खरीदे और अपना टावर लगाने का काम शुरू करें। इसके लिए नए नए टावर जो लगाने का काम चल रहा है वो भी समय पर पूरे कर लिए जाएंगे। ट्राई का यह नया अपडेट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब समझिए, GTL इंफ्रास्ट्रक्चर का जो टारगेट रहेगा इस साल के लास्ट तक 4.5 रुपये से लेकर 5.20 रुपये तक जा सकता है। हालांकि इससे भी अधिक जा सकता है, लेकिन पहले 5.20 रुपये के लेवल को पार करने दीजिए। ये इसका एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल इसको मान लीजिए, इसको टारगेट मान लीजिए, जो मान लीजिए। अभी तो 1.60 रुपये के आसपास इसका शेयर प्राइस है और एक दो दिन से तो देखेंगे तो नीचे ही जा रहा है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म की गिरावट, इससे घबराना नहीं। GTL इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ऊपर लेकर जाएगा। GTL इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी जो DII यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की हिस्सेदारी है लगभग 51% के आसपास है। हालांकि अभी क्वार्टर 4 का रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद अच्छे से अपडेट हो जाएगा, इसमें कुछ बढ़े घटे हैं। अभी
फिलहाल जो DII की हिस्सेदारी है उसमें भारत के तीन दिग्गज बैंक जैसे ICICI बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक की भी हिस्सेदारी अच्छी खासी मात्रा में है। ICICI की हिस्सेदारी है लगभग 4.18%, बैंक ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी 3.26% और केनरा बैंक की भी हिस्सेदारी है 4.11%। और इन सबके अलावा भारत का जो सबसे बड़ा कंपनी बनने जा रहा है LIC, उसकी भी हिस्सेदारी है इसमें 3.38% के आसपास। तो कहने का मतलब है कि GTL इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेक जब पैसे वाले कंपनियों के पास, बैंकों के पास कुछ स्टेक है, तो ये एक प्रकार से पॉजिटिव खबर है कि GTL इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बड़े कंपनियां जो हैं, जो बैंकर्स हैं, उस पर भरोसा करते हैं और उनका इसमें स्टेक है। तो ओवरऑल अगर बात करें GTL इंफ्रास्ट्रक्चर के दिन बहुरने वाले हैं, इसके अच्छे दिन आने वाले हैं, बस आपको भरोसा रखना होगा। और अगर नहीं भरोसा है तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट मत कीजिए किसी भी कंपनी में। तभी आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा जब आपको लगे कि ठीक है और आपका रिसर्च और एनालिसिस इस बात की गवाही देता हो कि नहीं, यह कंपनी आगे जाएगी, तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। किसी के कहने पर मत कीजिएगा, आपको नुकसान हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ रहे होंगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर मन में कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ तसल्ली और तफसील से बात होती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।